Ni pau ju pe. Api tar tu mi ni pau ju cha. तो हम इस समय रोड में खड़े हैं, तो रोड का स्थिति को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं और यहाँ पर ग्रामीण लोग मौजूद हैं और इसमें इन लोग से चलिए थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि क्या तकलीफ है। इन साल का जो लोकसभा चुनाव को बहिष्कार किया गया, चलिए उन लोग से आप जानते हैं, ग्रामीणों से। तो आप लोग क्या तकलीफ हुई इन साल जो वोट इन्हीं की मतदान को बहिष्कार कर रहे हैं? रोड, हम लोगों को रोड का तकलीफ हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोगों को इस साल का वोट बहिष्कार कर रहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो चलिए, और आप यहाँ का टीचर जी से भी आप हम लोग थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या तकलीफ है आप टीचर अभी अपना समस्या? मैं प्राथमिक विद्यालय बरका की सहायक शिक्षिका हूँ। और जैसे कि रोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि बरसात के दिन में गांव के लोग तो जैसे भी पैदल चले जाते हैं, लेकिन हमें तो टाइम पर स्कूल पहुँचना पड़ता है। जैसे कि बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो घर से अगर हम समय पर भी निकलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। अगर बारिश हो गई तो हमें गाड़ी को पेटे डिपा में 2 किलोमीटर में छोड़ के आना पड़ता है, और वो भी गिरते पड़ते हैं। अगर गाड़ी लेके भी आए तो बहुत बार हमें रोड में गिरने की समस्या भी हुई है, बहुत बार हम गिर भी गए हैं जी। अब 10 साल हमारा यहाँ पर हो गया। गांव वाले हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं कि हमें रोड चाहिए, रोड चाहिए, लेकिन आज तक ना मुखिया, ना जिला परिषद, ना विधायक, यहाँ तक कि सांसद भी यहाँ आ गए हैं वोट मांगते समय तो आ जाते हैं बहुत लोग, लेकिन वोट के बाद हमने कभी प्रतिनिधियों को यहाँ आया हुआ नहीं देखा है। हम तो वोट का बहिष्कार नहीं करते हैं, लेकिन गांव वालों की अपनी मंशा है, लेकिन चाहते हैं कि रोड बने, हमारे लिए भी सुविधा होगी और गांव के लोगों के लिए भी, क्योंकि जब किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो लोगों को यहाँ से हमको लगता है ढो के लेना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी वाले आना नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे लिए स्कूल का राशन जब आता है तो जैसे, या गैस भी, तो गाड़ी वाले पेटे डिपा यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी में छोड़ देते हैं और आना ही नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल का MDM चलाना तो दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो सरकार से गुजारिश है, या तो जो भी प्रतिनिधि का चुनाव होता है, वे रोड, विशेष करके रोड का व्यवस्था या तो बना दे हमारे लिए, ताकि हमें भी और गाँव वालों को भी सुविधा हो। या तो जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो देखते हैं, लेकिन देख के चले जाते हैं। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि रोड बने और हमारे लिए और गाँव वालों के लिए भी सुविधा हो। तो मैं इतना ही कहूँगी। तो ये लोग भी ग्रामीण है, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ मौजूद है, तो इन लोग से भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। तो आप लोग बताइए क्या तकलीफ है वोट को बहिष्कार करने का? इस देखिए, झारखंड आज़ादी होने के बाद आज तक लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया, कोई विधायक या संसद आज तक मतलब कि झकने तक नहीं आया है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत कुछ भी ग्राम सभा करके हम लोग लिखित करके दिए हैं, अब अभी तक कुछ जवाब नहीं है, मदद नहीं मिल रहा है। मतलब कि या पंचायत स्तर से, या जिला परिषद स्तर से, या मुखिया स्तर से, या विधायक स्तर से, या ब्लॉक स्तर से, या संसद स्तर से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग पहले रोड, उसके बाद वोट। तो देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद है बहुत ज़्यादा संख्या में, और देखिए इधर भी है, देख सकते हैं कितना गांव को समस्या लेकर कितना सारे ग्रामीण यहाँ पर है, और इन लोग से कई समस्याएं हम लोग भी ले लिए हैं। तो चलिए इन लोग से भी जान लेते हैं क्या तकलीफ है इन लोगों को। तो आप लोग को क्या तकलीफ है? हम लोग तकलीफ है तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं।